हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाने वाला हूं जो कस्टम रूम ज़्यादा खेलते हैं, मतलब जो रूम प्लेयर्स हैं। ओके, अगर आप कस्टम प्लेयर हो तो ये बात आपको ज़रूर पता होगी कि इस फ्री फायर कम्युनिटी में आप लोग की वैल्यू कहाँ पर है। हमारे बड़े से बड़े यूट्यूबर का मानना है कि जो कस्टम प्लेयर्स हैं उनका मतलब खाली ग्लोबल्स लगाते हैं, कस्टम टट्टे हैं, दैट्स इट। उनका यही मानना है क्योंकि वो टूर्नामेंट को सपोर्ट करते हैं। तो हमने आज तक कभी नहीं कहा कि टूर्नामेंट टट्टे हैं वो, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, टूर्नामेंट को आप सपोर्ट कर रहे हो, ई स्पोर्ट्स को आप सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कस्टम प्लेयर्स को भी उतना सपोर्ट करोगे तो हो सकता है इन फ्यूचर गैना भी इस बारे में आगे सोचे कि हमें कस्टम का भी कुछ, जो क्लैश स्क्वाड का कस्टम होता है उसका भी हमें आगे टूर्नामेंट कंडक्ट करना चाहिए। और 99% मैं आज लिख के दे रहा हूँ, अगर नहीं मतलब गैना, हो सकता है कि आगे जाके ये चीज़ को करे कंडक्ट, क्योंकि आजकल छोटे यूट्यूबर्स बड़े यूट्यूबर्स ऐसे टूर्नामेंट्स रखते हैं और प्राइस पूल रखते हैं और यही टूर्नामेंट्स को कंडक्ट कराते हैं। तो हो सकता है आगे ये चीज गरीना भी करे। और अगर आपको लगता है कि कस्टम खेलना आसान होता है, तो अगर आपके पास सीजन 1 का लाइट पास है, आप बहुत बड़े यूट्यूबर भी हो, तो कभी एक बार ट्राई करो ना कस्टम खेल, कैसा होता है कस्टम। उसमें बहुत स्पीड दिखानी पड़ती है, ग्लू वॉल की स्पीड एकदम मतलब बहुत तेज होनी चाहिए ग्लू वॉल की स्पीड, वरना बंदा तुम्हें कब मार के चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा लाइट पास तुम्हें सीजन 1 का लाइट पास तुम्हें कभी जिता नहीं पाएगा। अगर तुम नहीं खेल सकते कस्टम तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, अगर तुम टूर्नामेंट को सपोर्ट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी जो कस्टम की ऑडियंस है, जो कस्टम खेलती है, वो तुम्हें तुम्हारे टूर्नामेंट को कभी नहीं बोलती कि तुम टूर्नामेंट वाले टट्टे हो, ठीक है। तो सोच समझ के वीडियो बनाया करो भाई, तुम बहुत बड़े यूट्यूबर हो यार। देखो फ्री फायर में जो बंदा जैसे चाहे, गरीना ने भी क्लैश स्क्वाड का दिया है ऑप्शन तो खेलने के लिए दिया है, तो जो चाहेगा जैसे चाहेगा वैसे खेलेगा। तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? ऑडियंस को जिस तरीके से पसंद है, जैसे वो खेलना चाहेगी वो खेलेगी, तुम कौन होते हो समझाने वाले? तुम्हारा सीजन 1 का लाइट पास है तो तुम्हारा गेम प्ले इतना खत्म है यार, तुम हमें सिखा रहे हो कि कैसे खेला जाता है सीरियसली। और जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप इन यूट्यूबर्स की बातों में आते हो तो कभी इनकी बातों में मत आओ, सुनो ही मत इनकी बात, क्योंकि हो सकता है आगे फ्यूचर में गरीना कस्टम रूम के भी मतलब जो क्लैश स्क्वाड आप लोग खेलते हो उसके भी टूर्नामेंट कंडक्ट करे। तो आप लोग अभी छोड़ना मत, इनके बातों में मत आना, क्योंकि ये लोग खुद नहीं खेल सकते और इसी बात से ये लोग गुस्सा होकर तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं। इनको तो वन टैप से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनसे वन टैप नहीं लगता, खाली स्कोप खोलते हैं, दूर दूर से बैठ के बंदे को मारते हैं, दैट्स इट। इनके लिए यही गेम है। तो अगर बंदा रश खेलता है इन्हें दिक्कत है, अगर बंदा मॉन्टेज वीडियो बनाता है इन्हें दिक्कत है, खाली इनको मतलब अपना कॉन्टेंट से है, दैट्स इट। आप लोग इनकी बातों में मत आया करो। अगर आप लोग कस्टम प्लेयर हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, उससे आपका गेम प्ले इंप्रूव होता है, 99% इंप्रूव होता है, क्योंकि उसमें आपका मूवमेंट स्पीड इंप्रूव होता है, आपका ग्लू वॉल लगाने का स्पीड इंप्रूव होता है। लेकिन जो ये लोग वीडियो बनाते हैं कि कस्टम टट्टे हैं, इनसे ग्लू वॉल रैंक गेम में नहीं लगता है, तो इनका तो क्या ही होगा। इस वीडियो का मेरे बनाने का यही मोटिव था कि इन लोगों की बातों में आप लोग मत आया करो, कस्टम का भी हो सकता है आगे फ्यूचर हो, क्योंकि अगर हमारे बड़े यूट्यूबर्स कस्टम प्लेयर्स को भी सपोर्ट करेंगे तो जैसे हमारा टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, तो हो सकता है कस्टम प्लेयर्स का भी कुछ हो आगे चल के। तो